गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पार्ट वन में पढ़ेंगे नमक कहानी को। लेखक है इसकी रजिया सज्जाद जहीर। वो कहानी कि जो सारांश बिंदु है प्रतिपाद सफिया का लाहौर जाना, सफिया के सामने लाहौर से नमक लाने की समस्या, लाहौर की यादें, लाहौर से वापस आना तथा द्वंद्व, और अंतिम पॉइंट होगा कस्टम अधिकारी द्वारा सफिया की मदद। तो हमारा देश जब आजाद हो गया तो कुछ देश के लोग पाकिस्तान में चले गए। जब भारत पाक विभाजन हुआ पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग हिंदुस्तान में रहते, और दोनों देशों के बीच एक सीमा रेखा खींच दी गई कि ये पाकिस्तान वाले और ये हिंदुस्तान वाले। इस कहानी का मकसद ही ये है हिंदू मुस्लिम एकता। तो उसी क्रम में एक सफिया नाम की स्त्री थी और उसका जन्म तो हुआ था लाहौर पाकिस्तान में, लेकिन बंटवारे के बाद उसके हिस्से में आया हिंदुस्तान। जन्म पाकिस्तान में हुआ, भारत का विभाजन हुआ, रहने लगी हिंदुस्तान में। अब वो अपने मायके जाना चाहती है, अपने सगे संबंधियों से मिलने। वहां से आगे की कहानी है ये नमक कहानी। भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख स्त्री आज भी लाहौर में है और लाहौर को ही अपना वतन मानती है। सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की एक फरमाइश करती है। नमक मंगाने वाली थी सिख स्त्री, सिख बीवी। किससे मंगा रही थी? सफिया से। रहती कहां थी? भारत में। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए दिल्ली को अपना वतन बता देते हैं। जो कस्टम एक डिपार्टमेंट होता है, कस्टम के उधर हैं, वो दिल्ली को अपना वतन बता रहे हैं, लेकिन रहते पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की ड्यूटी करते हैं, जुड़ाव हिंदुस्तान से। इसी तरह एक भारतीय कस्टम अधिकारी थे सुनील दास गुप्त। उनका क्या कहना था कि मेरा वतन ढाका है। अब लेखिका यहां कहती है कि राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं। ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा राज्य नहीं पहुंच पाई हैं किन के लोगों के। लोगों ने उन सीमा रेखाओं को दिलों से स्वीकार नहीं किया। एक अनचाही अप्रीतकार बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, अलग तो कर दिया है, स्थापित मन अलग कर दिया है जहां उनका जन्म हुआ था उस स्थान से। पर वह सीमाएं विस्थापित लोगों के दिलों पर अपना कब्जा नहीं कर पाई हैं। दिल से प्रीत वो उसी स्थान से करते हैं, चाहे हिंदुस्तान में है और चाहे पाकिस्तान में है, क्योंकि कोई अपनी जन्मभूमि को भूलते ही नहीं। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। मंगाया भी कुछ नहीं जा रहा पाकिस्तान से, सिर्फ नमक मांगा जा रहा है। नमक मंगाने की फरमाइश है सिख स्त्री की। तो नमक के माध्यम से ही जो समस्याएं परत दर परत लेखिका ने उधेड़ दी हैं। यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है
सरहद के इस तरफ रहने वाले और सरहद के इस तरफ रहने वाले लोगों के मन में जब तक ये भावना है कि ये मेरा वतन है, चाहे पाकिस्तान में है और चाहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान को अपना वतन मानता है, पाकिस्तान में है तो हिंदुस्तान को अपना वतन मानता है, जब तक ये भावना लोगों के दिलों में जीवित है, इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेईमानी साबित हो जाएंगी। राजनीतिक सरहदों को खींचे जाना लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना है। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सफिया का लाहौर जाना। सफिया एक स्त्री थी, वो सिख बीवी के यहां कीर्तन में गई थी, मुस्लिम थी लेकिन सिख स्त्री के यहां कीर्तन हो रहा था हिंदुस्तान में, कीर्तन में गई थी तो सिख स्त्री ने अपनी बहू से पूछा कि ये कौन है, तो उसकी बहू ने बताया कि ये सफिया है, हमारे यहाँ कीर्तन में आई हुई है, कल ये अपने वतन लाहौर जाएंगी अपनी मायके। तो सिख स्त्री की यादें भी उभर आई, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लाहौर जा रही हो तो लाहौर तो मेरा भी वतन है, अब हमने बिजनेस वगैरह सब करके यहाँ हम सेटल हो गए हैं लेकिन भावना आज भी हमारी लाहौर से जुड़ी हुई है, तो मेरे लिए एक काम करना, लाहौरी नमक ले आना। अब उस सिख स्त्री में सफिया को अपनी माँ का प्रतिरूप दिखलाई पड़ा। सफिया की माँ मुहर्रम के अवसर पर एक दुपट्टा ओढ़ती थी मखमल का, वही ऐसा दुपट्टा ओढ़ रखा था उस सिख स्त्री ने, सो हूबहू वही छवि अपनी माँ में दिखाई देती है। अब वो वायदा करती है कि मैंने माँ से वायदा किया है कि मैं लाहौर जा रही हूं, वहां से अपनी माँ के लिए नमक लेकर आऊंगी, संकल्प ले लेती है। इसी संकल्प के आधार पर यह कहानी आगे बढ़ती है। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहां कीर्तन करने गई थी, वहां एक सिख बीवी को देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आंखें, भारी भरकम जिस्म, वस्त्र सब सफिया की माँ की तरह थे, माँ की जैसे पहन रखे थे। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा कि कौन है, बहू पुत्रवध। जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है तो वो लड़का के पास आकर लाहौर की बातें लगी। ये सफिया कौन थी, स्वयं लेखिका ही थी। उसने बताया कि विभाजन के बाद भारत आई थी, उसका वतन तो लाहौर ही है, कीर्तन समाप्त हो गया, समाप्त होने के समय सफिया ने लाहौर से कुछ चीज लाने के लिए कहा। सिख बीवी ने उससे हिचकिचाहट के साथ पाकिस्तान से लाहौर से चपलार पाकिस्तान में आज नमक लाने के लिए कहा। अब इससे आगे का जो पार्ट है, सफिया के सामने लाहौर से नमक लाने की समस्या, बड़ी जटिल समस्या है, इसको हम अपने वीडियो के पार्ट 2 में कराएंगे। थैंक यू।